मानव के जीवन का घर, परिवार, समाज, समय, संपत्ति, सम्मान, हर चीज में प्रभाव करता है। और ये ऐसी नेचुरल घटना है कि अगर इसको नहीं पकड़ा जाता, नहीं कंट्रोल में किया जाता, तो एक पल का गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर देता। गुस्से के अंदर कोई भी कदम उठाता है आदमी, लेकिन लेट समझ में आता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। ये उत्पन्न क्यों होता है? गुस्सा कामना के कारण से उत्पन्न होता है। जड़ क्या है गुस्से की? जड़ है कामना। अगर कामना पूरी नहीं होती, कामना अधूरी रह जाती है, कामना दब जाती है और वो कामना का वेग बढ़ जाता है, जब उसका वेग बढ़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से फिर आदमी विनाश की ओर बढ़ जाता है। तो अगर हम क्रोध को काबू में करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं करेगा, लेकिन क्रोध के अंदर भी बुद्धि काम करती है। आप देखो क्रोध कितना समझदार है। ताकतवर आदमी के सामने कभी क्रोध नहीं आएगा। आपने सुना है कि किसी ताकतवर को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, क्रोध में ये कर दिया? नहीं, पता है उसको कि ये ताकतवर है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पता है उसको इस चीज का, इसलिए वो पकड़ में रखता है सब कुछ। और जिस जो कमजोर होता है उसके हालात खराब कर देता है। तो अगर हम क्रोध को पकड़ने लगेंगे, क्रोध को काबू करने लगेंगे, क्रोध काबू में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक जड़ के ऊपर प्रहार नहीं होगा, वृक्ष सूखेगा नहीं और वृक्ष उखड़ेगा नहीं। जब जड़ सूख जाएगी, उसका जो पोषण हो रहा वो खत्म हो जाएगा, तो वृक्ष अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये क्रोध रूपी जो वृक्ष है ना, ये कामना के द्वारा सींचा जाता है। इस कामना को खत्म कर दो। देखो कौन सी कामना के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ है, कौन से काम के वेग के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ है। क्रोध की तह तक जाओ, पहले क्रोध को समझो और समझ करके उसकी तह तक जाओ। जब तह तक जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्रोध के कारण का। क्रोध के कारण को समाप्त कर दो, क्रोध का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर हम क्रोध को काबू में करने लगेंगे, दबाएंगे दबाएंगे दबाएंगे, वो विस्फोटक रूप ले लेगा, और ज्यादा नुकसान करेगा, और ज्यादा परेशान करेगा। दबाते रहो, आपके दिमाग को खराब कर देगा, आपके दिमाग की नसों को प्रभावित करेगा, आपके बीपी को प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, इंद्रियों को प्रभावित करेगा, वाणी को प्रभावित करेगा, यहाँ तक कि क्रोध के अंदर श्वास जो आते हैं, सांस जो चलती है, वो भी गर्म होने लगती है, हिट वो भी होने लगती है। लेकिन जब वो कामना खत्म हो जाएगी, क्रोध का कहाँ अस्तित्व रहेगा? कहीं भी नहीं। आप समझो किसी वस्तु के ऊपर आपको क्रोध आया है, किसी ने आपकी वस्तु को छू दिया, उठा लिया, और जो भी कारण समझो, अगर हम उस वस्तु के ऊपर जा करके समझे, उस तल के ऊपर, और उस लड़ाई को वहीं खत्म कर दे क्रोध को, तो क्रोध का क्या अस्तित्व रहेगा? क्या समझो आप, क्या अस्तित्व रह जाएगा, क्या महत्व रहेगा? क्रोध क्यों रहेगा फिर? कारण ही खत्म हो जाएगा तब। और कार्य खत्म करते रहो करते रहो करते रहो, कारण खत्म नहीं होगा, कार्य उत्पन्न होते रहेंगे, मिटते रहेंगे, होते रहेंगे, मिटते रहेंगे, ऐसे ही सर्कल घूमता रहेगा, बिल्कुल क्रोध समाप्त नहीं होगा। अगर आपको क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना है, तो इन कामनाओं को दबाओ नहीं, समाप्त कर दो,
जब ये कामनाएं समाप्त हो जाएंगी तो ये आपका क्रोध जड़ से समाप्त हो जाएगा।